सिर्फ गुरुग्राम से आए, हरियाणा के अलग अलग कोनों से आए हैं और आज हमने दूसरे स्थापना दिवस पर मानवता का, भाईचारे का संदेश दिया है। जो काम
हमारी वर्तमान सरकार हमें बांटने में लगी हुई है, हमें काटने में लगी हुई है और हमको छाटने में लगी हुई है, क्योंकि वो अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। हमने कोशिश करी है 2 साल पहले से कि हम समाज जो बट रहा है समाज को जागरूक करेंगे, समाज को जोड़ेंगे, और आज इसका जीता जागता उदाहरण, इसका प्रमाण आप सबके बीच में है, क्योंकि इस कार्यक्रम में दिव्यता भी थी, भव्यता भी थी और मानवता भी थी। 2014 के बाद आपने कहा यहाँ से, आपके जो मुख्य अतिथि आए थे उन्होंने कहा कि देश का सर्वनाश हुआ है, क्या इसको बदलाव करने के लिए क्या करेंगे और किस तरह का सर्वनाश हुआ? हर बदलाव क्रांति मांगती है। देखिए, जैसे हमारे मुख्य अतिथि ने बोला कि 2014 के बाद, देखिए हम सबको पहले दिल से बात करनी पड़ेगी। हमारा दिल सबका जानता है, लेकिन हम कई बार भय होके डर जाते हैं, हम नहीं बोल पाते। लेकिन 2014 के बाद हमको मालूम चला कि हिंदू खतरे में है, हमारा समाज खतरे में। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, जिस देश के 80% IPS हिंदू, जिस देश के 80% IAS हिंदू, वो देश खतरे में। ये तो कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। और जनसेवक क्रांति पार्टी पढ़े लिखे युवाओं का संगठन है, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो यही जानते हैं कि ईश्वर ने 2 ही जात बना के भेजी थी, स्त्री की, पुरुष की, और धर्म मानवतावाद का था, तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। 2014 से पहले क्या हिंदू खतरे में नहीं थे? तो यही तो सवाल है, यही सवाल तो हमें अपनी सरकार से पूछना है कि वो बार बार बोल रहे हैं हिंदू खतरे में, हिंदू कौन खतरे में है? हिंदू खतरे में नहीं है, उनकी सरकार खतरे में है, क्योंकि उनको मालूम है अगर हमारे देश का नागरिक जागरूक हो गया, हमारे देश का नागरिक समझदार हो गया, हमारे देश का नागरिक शिक्षित हो गया, तो वो सवाल पूछेगा। तो इसी सवाल को दबाने के लिए वो एक दबाव बना रहे हैं, वो हमारे को जातियों में बांट रहे हैं, धर्मों में बांट रहे हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था हम लोग हिंदुस्तानी थे, अब क्या हुआ है? अब हिंदू हो गए हैं, मुस्लिम हो गए हैं, सिख हो गए हैं, ईसाई हो गए हैं। ये सवाल हमें सरकार से पूछने की ज़रूरत है कि तुम हिंदू होने के बाद भी हिंदुओं को खतरे में बता रहे हो? नहीं, खतरे में तुम लोग हो। तुम्हें खतरा है कि अब 2024 में हरियाणा से इस सरकार का सफाया तय है, लोग जागरूक हो गए हैं, हरियाणा के अंदर अब जनसेवा करनी होगी, राजनीति नहीं करनी होगी, क्योंकि राजनीति करते करते इन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति करी है, सेवा नीति करनी होगी। 2024